नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। फोटो स्टूडियो में लोगों की फोटो छापी जाती है, लेकिन अब फोटो स्टूडियो में नोट भी छपने लगे हैं। जी हां, ताजा ही मामला भोपाल का है, जहां चार लोग फोटो स्टूडियो में नकली नोट छापने का काम करते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 लाख रुपए के नकदी नोट बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस ने फोटो स्टूडियो की आड़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2,06,300 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। फहीम कुरेशी, दानिश अली, जितेंद्र उर्फ जीतू और वसीम शेख पिछले 1.5 महीने से नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। जी हां, पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का सरगना दानिश अली महज 5वीं पास है, जो काफी कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज को उतारने के लिए उसने नकली नोटों का कारोबार करना ठीक समझा, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इसमें मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कुछ नकली नोट चला किसी को देने के लिए काजी कैंप के पास में, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में आ रहा है, और वो कुछ नकली नोट लिए हुए है, किसी को देना वाला है, वहाँ चलाने वाला है। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो हमारी टीम बनाई गई और टीम वहाँ पे जाके देखी, उस हुलिया के व्यक्ति को पकड़ा उन्होंने, उससे पूछताछ की तो उसके पास में 2000 के नकली नोट प्राप्त हुए उन्हें। जब इन्होंने ये नकली नोट बना लिए तो पहली बार में जो नकली नोट बनाए थे वो नोट मार्केट में लेके गए तो वो नहीं चल पाए, या उनको भी लगा कि इसका कागज थोड़ा पतला है, फिर इन्होंने उसको डिस्ट्रॉय करके और फिर दूसरे बनाए, उसका कागज़ थोड़ा सा ठीक किया और फिर ये वाले नोट बनाए और आज बेचने के लिए आ रहे थे। फ़ाइन को इन्होंने जब बना लिए तो इसको तैयार किया और ये नोट बेचने के लिए आ रहे थे तो क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको पकड़ लिया। आरोपी फहीम कुरेशी को टीला जमालपुरा के रिलायंस पेट्रोल पंप से हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि फहीम नकली नोट खपाने के लिए घूम रहा है। संदेह के आधार पर तलाशी लेने के बाद उसके पास से 2,000 के 75 नोट बरामद हुए। बहरहाल चारों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ कर रही है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। और फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज आज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।